शहर के वार्ड 10 में सड़क की समस्याओं को लेकर वार्डवासी परेशान नजर आए। इसको लेकर वार्ड पार्षद ने भी उठाई अपनी आवाज। दुर्ग शहर के वार्ड नंबर 10 शंकर नगर के रहवासी इन दिनों वार्ड में व्याप्त सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। वार्ड नंबर 10 की सड़क काफी जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण वार्ड के लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। बारिश के दिनों में सड़क का हाल और बुरा हो जाता है, जिसके कारण सड़कों पर लोगों का चलना दूभर हो गया है। वहीं वार्ड के पार्षद व वार्ड के रहवासी ने बताया कि सड़क का भूमि पूजन कर सड़क संधारण की स्वीकृति मिल गई है। बावजूद इसके ना तो महापौर ईश्वर ध्यान दे रहे हैं और ना तो दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा, जिसके कारण वार्ड की जनता अब कोई उचित कदम उठाने को मजबूर है। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। शंकर नगर की जो रोड है उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुका है, आप खुद देख रहे हैं। मैं वार्ड में इस शंकर नगर वार्ड नंबर 10 में विगत 30 साल से रह रहा हूँ, जबकि इसकी भूमि पूजन हो चुका है और माननीय हमारे विधायक जी, हमारे महापौर जी इसकी भूमि पूजन कर चुके हैं, लेकिन भूमि पूजन करने के बाद भी कार्य अभी तक प्रगति की ओर कोई भी प्रकार से अग्रसर नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अब सरकार को जवाब देना चाहिए, महापौर जी को जवाब देना चाहिए, विधायक हमारे भोरा जी को जवाब देना चाहिए कि जब रोड की प्रस्ताव पारित हो चुका है, भूमि पूजन हो चुका है, तो किस कारणों से इस रोड को अभी तक कार्य जो है शुरू नहीं किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुर्गा चौक से विजयनगर डामरीकरण का कार्य का भूमि पूजन हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, लेकिन विधायक महोदय के चहते लोग काम ले लिए हैं और यह कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मेरी कई बार विधायक से और महापौर और कमिश्नर से इस बात पे चर्चा हो चुकी है कि ये ठेकेदार कार्य नहीं किया जा रहा है। मैंने लिखित में शिकायत किया है कि ठेकेदार का टेंडर निरस्त करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनकी अमानत राशि जब्त करके पुनः टेंडर किया जाए, यह प्रक्रिया में है। और एक और बात कहना चाहूँगा, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और दुर्ग नगर निगम में कांग्रेस की उसके महापौर बना है, तब से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ भेदभावपूर्ण कार्य किया जा रहा है। हमारे काम को प्राथमिकता से नहीं लिया जाता, किस कांग्रेस के पार्षदों का काम को प्राथमिकता से किया जा रहा है और हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।